जी आज मैं आपको एरो A15 की कैलिब्रेशन सिखाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने इंडिकेटर को ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद जब ये 00 यहाँ पे शो करेगा तब आपने कॉल का जो बटन है इसको प्रेस करके रखना है। इसको आप प्रेस करके रखेंगे जब ये इस फंक्शन में पहुँच जाएगा तो जो वेट है ना आपका ये इस टाइम कैलिब्रेशन में इंटर हो चुका है। जो वेट है आपने वो प्लेटफॉर्म के ऊपर रख देना। जितना भी एग्जांपल के तौर पे मेरे पास 20 किलो वेट है मैंने इसके ऊपर रख दी है, ठीक है। तो इसके बाद अगले फंक्शन में जाने के लिए आपने टेयर का बटन एक दफ़ा प्रेस करना है। टेयर का बटन प्रेस किया तो यहाँ पर आपने जितना आपने वेट प्लेटफॉर्म पर रखा है वो लिख देना है। मैंने इस टाइम 20 किलो रखा है तो मैं 20 किलो यहाँ पर लिख दूँगा। ये 20 किलो मैंने जो है वेट लिख दिया, इसके आगे 3 डेसिमल पॉइंट आ गए। अब मैंने टेयर का बटन एक दफ़ा दबा देना है, ठीक है। तो इसके बाद जो है ना आपने इसकी कैपेसिटी रखनी है कि आपने इस पर कितना एक वजन तोलना है। तो इस टाइम मैंने जो है इसका 300 पे वेट सेट करना है। 300 केजी जो है ना इसका मैंने वेट सेट करना है और आगे 3 डेसिमल पॉइंट। ये 300 केजी इसका वेट हो गया, साथ 3 डेसिमल पॉइंट आ गए। तो अगले फंक्शन में जाने के लिए टेयर का बटन एक दफ़ा प्रेस कर देना है। अब यहाँ पे आपने जो इसकी है ना डिवीजन रखनी है, तो डिवीजन इसकी इस टाइम मैंने 50 ग्राम रखनी है। 50 ग्राम इसकी मैंने डिवीजन रख के अगले फंक्शन में जाने के लिए आपने टेयर का बटन प्रेस कर देना है। और इसके बाद जो है इसके डेसिमल पॉइंट मैंने आपको बताया कि 3 मैंने रखे हैं, तो यहाँ पर मैं कॉल की मदद से 3 लिख दूँगा। 3 लिख के अब कैलिब्रेशन एंड करने के लिए टेयर का बटन आपने एक दफ़ा प्रेस करना। तो आप ये देख सकते हैं के वेट जो है इस टाइम सेट हो गया। मज़ीद कैलिब्रेशन जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको इस वीडियो से अगर मदद मिली है या नहीं मेरी तो आप कमेंट करके लाजमी बताएं, और कोई भी सवाल है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया।